क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान में सीरीज का दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। सुबह 8:50 पर यह मैच शुरू होगा। टीम इंडिया हर हाल में ये मैच जीतना चाहेगी क्योंकि इसको हारकर सीरीज में भी हार मिल जाएगी और इसीलिए मैच से एक दिन पहले विराट ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 करीब करीब फाइनल कर दी है। इस पर आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो एडिलेड वनडे में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन ही ओपन करेंगे। फिलहाल वर्ल्ड कप तक यहाँ बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खेलने आएंगे जिनसे यहाँ बड़ी पारी की उम्मीद होगी। चौथे नंबर पर एक बार फिर अंबाती रायडू को ही मौका मिलेगा। रायडू को वर्ल्ड कप के लिए नंबर 4 पर तैयार किया जा रहा है। पांचवे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी खेलने आएंगे। अब बात करते हैं छठे नंबर की, तो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि केदार जाधव की टीम में एंट्री हो सकती है, लेकिन फिलहाल दिनेश कार्तिक को एक और मौका मिलने जा रहा है और एडिलेड में फिर से कार्तिक ही छठे नंबर पर खेलने आएंगे और इसकी तस्वीर नेट्स पर दिखी है। अब बात करते हैं गेंदबाजों की, तो टीम इंडिया एडिलेड में 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरने जा रही है। टीम में रविंद्र जडेजा के रूप में बदलाव हुआ है। युजवेंद्र चहल लगातार नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसीलिए तय माना जा रहा है कि चहल की लंबे समय बाद टीम में वापसी होगी और चहल का साथ देंगे उनके पुराने जोड़ीदार कुलदीप यादव। कुलदीप ने पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की जगह बिल्कुल पक्की है, जबकि खलील अहमद को भी एक और मौका यहां दिया जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर टीम में सिर्फ एक ही बदलाव होगा जो कि रविंद्र जडेजा के रूप में होगा। हालांकि टॉस के वक्त कप्तान पिच को देखते हुए कुछ और बदलाव भी कर सकते हैं। तो एडिलेड वनडे की टीम पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।